एनर्जी किड्स। चमत्कारी बळद। मदनपुर गाँव रे सुभाष नार गोटे चासी रहुथिला। ता परिवार रे ता स्त्री सरला आउ दी झियो कुमकुम जिए कि 12 वर्षर थिला आउ पूजा जिए कि 7 वर्षर थिला। चासरु तार घर भल चली जाउथिला। पूरा परिवार चासरे सहाय्य करुथिला। सुभाष पाखरे दीटा जाळा बळद थिले, गोटे संकट आउ गोटे शंभु। दीटा जाक बळद बहुत सुंदर चालाक आउ बुझामणा थिले। सुभाष तो बळद मानंकु बहुत भल पाउथिला आउ सबु बेले तांकु सजेकी रखुथिला। आखपाखर सबु गाँव रे एई दीटा बळदंकर बहुत चर्चा थिला। पड़ोसी गाँव रो लोकमाने बहुत थर अधिका पैसा दे दीटा जाक बळद को किणिबाकु चेष्टा कले, किंतु सुभाष से मानंकु ठु निजकु अलगा करे नाही। नाही भाई, मु मो बळद मानंकु बिकी बिनी। एई दी जणक भितरे मो परिवार रो जीवन अछि। ठीक अछि भाई, किछि असुविधा नाही। दुई बळदंकर आउ गोटिए खास कथा थिला कि दी जण नाचुथिले बहुत भलो। गाँव रो सबु बाहाघर रे दी जण नाचुथिले। ओ सुभाष भाई, आजि मो भौणी रो बाहाघर, आपण समस्ते निश्चय आसिबे। हां, आमे निश्चय आसिबु भाई। आउ हां, तम शंकर आउ शंभुंकु निश्चय आनिबो। से दी जणक पई स्पेशल निमंत्रण देउछि। बाहा घरे जे पर्यंत से दी जण न नाचिबे मजा आसिबोनी। हां हां निश्चय। रात्रि बाहा घर खुशी उल्लास चलीछि। शंकर शंभु निज नाचरे समस्तक मन मोहि नेउछन्ति। पड़ोसी जगत रामी थाए से सुभाष आउ दी बळद टू बहुत ईर्षा करुथिला। जगत राम सबुबेले अनेकी बसी थाए कि से सुभाष को क्षति केमिति करि पारिबो। भारी आसले नाचिला वाला, ए मानंको तो मु एमिति नचैबी, गोटे दिन एमानंको आई मने पड़ि जिवो। दिने राती रे बहुत झड़ तूफान वर्षा होथला। पूरा गां निज निज घरे सोइथिले, किंतु जगतराम आउ ता पुओ वीरेंद्र चेइथिले। तांको मुंडरे किछि खुरापाती चालीथिला। पुओ, आजि भल मौका मिलिछि सुभाष्टु प्रतिशोध नबा पाई। आजि शंकर आउ शंभु को मजा चखैबा। हां बापा, भारी डें डें कि नाचुछंती, किंतु करिबा को कोन हबो, वर्षा तो जोर होउछि। पुओ, वर्षा रही तो लाभ उठेबार अछि। सुभाषर बळदंकु खोलिकि गाँठु दूर जंगल रे नै बांधि देबा, आउ राति रे ए दी जणकु को पशु निज भोजन करि देबो। बापा, एटा तो बहुत बढ़िया योजना बनाई छ तमे। पुओ, एटा मो सैतानी मुंडो, सैतानी बुझिलु। हाँ बापा, चाले जल्दी से बळदंकु जंगल नैकि जिबा। जगतराम और वीरेन्द्र दी जण निज मुह कपड़े बांधिकी सुभाष घरे पशि दीटा जाक बळद को खोली दियंती। दीटा जाक बळद रड़ी पकांती, किंतु वर्षार जोर शब्द रे दी जणक पाटी दबी जाए। बापा पुओ दी जण जाक को घोसाड़ी घोसाड़ी गाँ बाहर जंगल को नहीं जाती। चारिआड़े अंधार ही अंधार, से माने गोटे गछ तले तांकु बांधि दियंती। दी जणकु एठी बांधिकी छाड़ी देबा। हां पापा, एबे ए दीटा बळद ए जंगल रे ताता थैया करिबे। चाल पुओ, वर्षा बंद हेबा आगरु आमे गाँव रे पहुंची जिबा, काहा को किछि जणा पड़िबो नाही। हां पापा, राति रे ही दी जणक काम शेष होइ जिवो। ता परदिन सखाळी वर्षा बंद हे जाय। सुभाष रो स्त्री सारळा बळदंक पई चारा नै कि जाय, किंतु दीटा बळद सेठी नथिबार देखि कि से चिल्लाय। एटा केमिति संभव, मु तो शंकर आउ शंभु को घर भितरे बांधि थिली, गोटे शब्द भी केमिति हेनी। बापा, शब्द केमिति सुविधांते, राती रे इते जोर वर्षा जो होथला। मते तो आम गाँव रही को लोकर ए काम बोली लागुछि। माँ बापा, तमे चिंता करनी, आम शंकर शंभु जोठि भी थिबे भलरे थिबे, से दिजण बहुत चालाक। मु प्रधानंकु जाय कि चोरी कथा कहि कि आसे,
सेही किछि बाट बतई परिबे। सुभाष प्रधानक घर को शीघ्र शीघ्र जाउ थाए। सेतिक बेले रास्ता रे खचड़ दादा भेट होंती। कोन होई छि पुओ सुभाष? सकाळ सकाळ एते जल्दी रे कुआडे जाऊ छु? सब ठीक अछि त बापा? दादा मोर दीटा जाको बड़द को राति रे के चोरी कि नै जाई छि सेही कथा जणैबा को जाउ छि मु प्रधानक पाखकु। ए प्रभु प्रभु की जुग आसी गला रे भाई हां लोक पशु को भी चोरी करिया को लागले नि निश्चय चिन्हा जणा लोक ही करथिबा काम भगवान तोरो मंगल करंतु। सुभाष प्रधानक पाखकु जाई सब घटना तांकु कहि दिए। एपटे जंगल रे शंकर आ शंभु निज बुद्धि लगे निज को बंधन मुक्त करि देछंती। शंकर आगे शंभुर रसी खोली देला तापर शंभु शंकर रसी खोली देला। सेतिकी बेले तांको पाखकु किछि जंगली कुकुर आसी जांती। दुई बळद मिसिकी सेमानंकु सामना करंती आ सेमानंकु भगे दियंती। सेपटे प्रधान सुभाषर कथा सुनिकी चिंता रे पड़ी जांती आउ ताकु साहस दियंती। तुम शंकर शंभु शीघ्र ही फेरी आसीबे आमे से दी जणों को एमिति होजिबा को दबुनी। प्रधान रघु को कहंती, रघु तुरंत पूरा गां को सूचना दियो जे शंकर आउ शंभु चोरी होई जाई चंती आउ हां गां लोक पंचायत पाई बरग छतळ को आसी जानतो। आज्ञा प्रधान बाबू, मु एबे जाई गां लोक को सूचित कर दे आसुची। एपटे शंकर आउ शंभु परस्पर कथा होछंती। शंभु अमुकु शीघ्र ही घरे पहुंचिबा दरकार। मालिक छुआ माने गां लोके आउ चिंता रे होइरण हेबे। हो भाई शीघ्र गां आड़े पहुंचिबा कु हबो। शंकर आ शंभु शीघ्र गां आड़े दौड़ंती। एपटे गां रे बरगछ तले पूरा गां एकजुट हेछि। शंकर आ शंभु हजिबार दुख समस्तंकु अछि। सेठी जगतराम आउ ता पुओ वीरेंद्र भी अछि। दी जण बहुत खुशी अछंति आउ परस्पर भितरे कथा होत हांति। ए जाय तो तांको दी जणकर बैंड बाजी जाइथि बणी। हां बापा ना 60 महण घिय हबो ना राधा नाचिबो। हमो विपक्ष रे किछि भी प्रमाण नाही। हमकु केही किछि कहि पारिबेनी। हां सेतिकि बेली प्रधान गां लोकंकु कहंति, बहुत ही दुखर कथा। काली राति रे सुभासर बळदर चोरी होई जाइछि। शंकर आउ शंभु को केही चोरेई नैछि। मु आपण समस्तंकु हाथ जोड़ी विनती करूछि कि आपणंको भितरु केही भी एही भूल करिछि कृपा करिकि निसंकोचरे सामना को आसंतु। आमे ता भूल को क्षमा करि देबो। जगतराम आउ वीरेंद्र प्रधानंकर कथा सुनिकि हसंति। मु कथा दउछि कि तांकु कोनोसी प्रकारर दण्ड दिया जीव नाही। आउ जदि आमे ताकु निजे धरी बाहर कलु ताहले ताकु कठोर रु कठोर दंड दिया जिवो। मु तीनी पर्यंत गणिबी। एपटी शंकर आउ शंभु जोरे दौड़ी कि आसंती। तांका बेकरे बंधाथिबा घंटी बाजुछि आउ सेपटे पंचायत रे जगतराम आउ वीरेंद्र हसुथांती। प्रधान गणिबा आरंभ करथि, एक दुई आउ ये तीनी। सेतिकि बेले शंकर आउ शंभु सारला पूजा आउ कुमकुम पाखरे आसी अटकि जांती। जगतराम वीरेंद्र यहा देखि डरी जांते। सबु गां लोक कहंति, शंकर शंभु गले ये तो चमत्कार हे गला। समस्त शांत होई जांतु, शंकर शंभु आसी गले। एबे चोरी भी धरा पड़ी जिवो। जदि से एबे पंचायत रे बसीछि तेबे भगवान भी तांकु बंचै पारिबेनी। शंकर शंभु दी जण कहिबे कि तांकु किए चोराई कि नै जाईथिला। सुभाष ता झियो मानंकु कहे, मो प्रिय शंभु तुमको किए चोरई कि नै जायथिला। जगतराम वीरेंद्र डरी जांती। दुईटी जाक बळद जगतराम वीरेंद्र आड़े बढ़िबाकु लागती। दुई बळद को निज आड़ को आसुथिबार देखिकी जगतराम वीरेंद्र सुभाष गोड़ तले पड़ी जांती। भाई आमे बहुत बड़ भूल करि देइछो, क्षमा कर दियो। दादा हमको क्षमा कर दियो। तम दी जण को क्षमा दिया जीवनी आउ तम दंड हेउछि तम दी जण को मुह कळा करी की आउ तम बेकरे जोतारो माळा पकेई की गद्ध उपरे बसेई पूरा गां सारा बुला जीवो। समस्त एथिरे राजी तो? हां आमे राजी।
ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦି ଜଣଙ୍କ ମୁହଁ କଳା କରିକି ଗଧରେ ବସେଇକି ଗାଁରେ ବୁଲା ଯାଆନ୍ତି। ଖରାପ କର୍ମର ଖରାପ ଫଳ।